वेलकम टू इंड्यूस क्लासेस। मेरा नाम है अमन सिंह। आज हम देखेंगे कि चाइना ने ताइवान को धमकी दी है वॉर इनिशिएट करने के लिए। तो ये पूरा मसला क्या है, ताइवान ऐसा क्या करने जा रहा है कि चाइना ने उसे वॉर के लिए धमकी दी, और इन दोनों के हिस्टोरिकल रिलेशंस क्या रहे हैं, ये पूरा मसला क्या है, चलिए देखते हैं। तो बैकग्राउंड, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चाइना में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी, दो पार्टीज के बीच में पावर स्ट्रगल थी, कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट जो कोमिनटांग पार्टी है। कोमिनटांग को फाउंड किया था सन यात सेन ने 24 नवंबर 1894 को, और उसको फर्दर लीड किया चियांग काई शेक ने, जो सन यात सेन के सक्सेसर माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इसी नेशनलिस्ट पार्टी से टूट के बनी थी, जिसको लीड कर रहे थे माओ से तुंग, माओ ज़ेडोंग, जिनको आज हम सब जानते हैं कम्युनिस्ट चाइना के पहले प्रेसिडेंट। और कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी 23 जुलाई 1921 को। तो ऑन 1 अगस्त 1927 टू 1 मई 1949, ये पूरा टाइम पीरियड है जहाँ पे एक सिविल वॉर चली इन दोनों पार्टीज के बीच में, पावर स्ट्रगल हुआ कि कौन मेनलैंड चाइना को गवर्न करेगा। और जो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने उन्होंने उनकी एक तरह से विक्ट्री होती है इस सिविल वॉर के अंदर, बहुत सारा खून खराबा होता है लेकिन वो जीत जाते हैं। और वो जो कोमिनटांग पार्टी होती है जिसको चियांग काई शेक लीड कर रहे होते हैं, वो उनको एग्जाइल में भेज देते हैं छोटे से आइलैंड ताइवान पे। और फिर उसके बाद जो माओ ज़ेडोंग होते हैं वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करते हैं, और वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और वहीं दूसरी तरफ चियांग काई शेक बनते हैं राष्ट्रपति ताइवान के, और वो फॉर्म करते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोनों ही एक दूसरे को असली चाइना, रियल चाइना कहते हैं, और एक दूसरे जो ताइवान होता है वो पूरे इस टेरिटरी को क्लेम करता है, इस पूरी चाइनीज टेरिटरी, मतलब जो मेनलैंड चाइना उसको क्लेम करता है। वो कहता है कि ये आज के समय में हमारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन कल हम इसको जरूर वापस लेंगे। ये वाला तब तक, मतलब 1959 तक, ये जो पूरा तिब्बत का रीजन है ये चाइना के अंडर नहीं था, बाद में चाइना ने इसको कब्जे में लिया है अपने। और ये जो ऊपर का जिनजियांग प्रोविंस है जो काफी अनस्टेबल रहता है आज के समय में, उइगर मुस्लिम्स और ये सारे केसेस। और ये रहा ये छोटा सा ताइवान। और वहीं वहीं दूसरी तरफ ये जो चाइना है वो क्लेम करता है कि ये जो पूरा ताइवान है ये भी हमारा एक स्टेट है, और आज हमारे यहाँ पे डोमिनेंस नहीं है, मतलब आज हमारा यहाँ शासन नहीं है, लेकिन कल ये भी चाइना के कब्जे में होगा। तो इन दोनों पार्टीज के बीच में ये चलता रहता है, मतलब इन दोनों देशों के बीच में ये चलता रहता है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो ताइवान है इन दोनों के बीच में मुश्किल से 200 किलोमीटर का भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों बिल्कुल आसपास हैं। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, और आज के समय में चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट बन चुका है, बहुत ही पावरफुल और स्ट्रांग कंट्री है। और ये जो बीच में ये जो स्ट्रेट आप देख रहे हैं इसको हम फार्मोसा स्ट्रेट कहते हैं। आगे तो आज के समय में हमें पता है कि चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, उनकी ट्रिलियंस ऑफ जीडीपी है, ट्रिलियंस के उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो ताइवान है उसको मुश्किल से सिर्फ 15 देश हैं पूरी दुनिया में, और ज़्यादातर आइलैंड कंट्रीज हैं जो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज इंडिपेंडेंट नेशन, एज इंडिपेंडेंट कंट्री, एज रियल चाइना। और ये सब क्यों है, क्योंकि चाइना जो मेनलैंड चाइना है वो खुद को कहता है कि हम असली चाइना है, और अगर दुनिया के किसी भी देश को हमारे साथ व्यापार करना है तो उनको वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। वन चाइना पॉलिसी ये कहती है कि इस दुनिया में केवल एक चाइना है जो हम है, और ये भी हमारा एक स्टेट है, और आज नहीं तो कल हम इसको अपने कब्जे में लेंगे। और बीजिंग का तो एक पूरा प्लान भी है कि आने वाले 50 सालों में किस तरीके से हम ताइवान को अपने अंदर शामिल कर लेंगे एक राष्ट्र की तरह। उन्होंने ताइवान को पास्ट में काफी ऑफर भी दिए हैं, वन नेशन टू स्टे, वन नेशन टू सिस्टम, जैसे हांगकांग में फॉलो होता था एक समय में हांगकांग, बट आज के समय में हम सबको पता है कि हांगकांग में क्या सिचुएशंस हैं, और हांगकांग की जो इंडिपेंडेंट थी, जो उनका जो सेल्फ गवर्नेंस था, उनका जो ऑटोनॉमी थी, उसको किस तरीके से बीजिंग ने खत्म किया। तो ताइवान उससे अच्छी तरह परिचित है, और ताइवान उसकी जो इस प्रपोजल है वन नेशन टू सिस्टम को, उसको उसने इसको कई बार रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन आज भी चाइना नहीं चाहता है कि कोई भी इस छोटी सी जो आइलैंड कंट्री है इसको रिकॉग्नाइज करे और इसको मान्यता दे एज अ रियल चाइना।
और जिस तरीके से मैंने कहा कि एक तरह से आज के समय में ये चीज संभव भी नहीं है कि एक संभव भी नहीं है कि ताइवान इस पूरे रीजन पे इनको वापस डोमिनेंस लाए या फिर वापस कंट्रोल करे, क्योंकि चाइना आज के समय में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और उसके लिए ये बहुत ही बड़ी बात नहीं होगी कि अगर वो इस कंट्री को पे को ऊपर कब्जा कर लेता है, और या फिर उसने इसको धमकी दी, वॉर किया। और इनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारे आइलैंड्स को लेकर विवाद है और बहुत सारी चीजें। वैसे तो ये मानते ही नहीं है कि ये भी एग्जिस्ट करता है, ये तो इसको अपना एक हिस्सा मानते हैं। तो आज के समय जो ताइवान है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहा है अपनी। और जैसा और एक और बात, जो ताइवान है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। और जो मेनलैंड चाइना है यहाँ पे एक कम्युनिस्ट रेजीम है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है जो पिछले 70 इयर्स से चाइना को डोमिनेट कर रही है, और मतलब जो चाइना पे रूल कर रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि ये जो जितनी भी कंट्रीज ब्लू में है ये रिकोगनाइज करती है चाइना को एज अ रियल चाइना, मतलब जो मेनलैंड चाइना है। और जो येलो जो ग्रीन में छोटी छोटी कंट्रीज हैं, बहुत छोटी कंट्रीज है, बहुत सारी तो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो कहती है कि नहीं, ये जो छोटा सा ताइवान है ये हमारा असली चाइना है और ये असली चाइना नहीं है। बट इनके नंबर्स बहुत ही कम है, और आज के समय में इसीलिए ताइवान को जो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल कवरेज है वो नहीं मिलता है, उसको रिकोगनेशन नहीं मिलती है, इनकी एम्बेसीज नहीं है दुनिया भर के देशों में। तो जो ताइवान के में जो ज्यादातर ट्रेड होता है वो जो ज्यादातर जो ताइवान की डिप्लोमेसी होती है वो उनके ट्रेड ट्रेड ऑफिसर्स के थ्रू होती है, मतलब ताइवान ट्रेड करता है दुनिया भर के देशों के साथ, और जो डिप्लोमेसी है वो भी इन्हीं के थ्रू होती है। तो आज के समय में जो ताइवान है वो इस बात के लिए, जो ताइवान में दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और दूसरी कोमिंतांग पार्टी है, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से डीपीपी जो आज के समय पावर में है वो उनमें उनका ये मानना है कि हमारा जो क्लेम है, जो चाइना के मेनलैंड को हम क्लेम कर रहे हैं कि कल आज नहीं तो कल चाइना में हमारा शासन होगा, इसको हम आज के समय के लिए छोड़ देते हैं और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हम अपने चाइना के क्लेम को छोड़ देते हैं। हम ताइवान बन जाते हैं, हम एक तरह से ताइवान को आइडेंटिफाई करते हैं एज अ कंट्री। और इसी बात का चाइना को डर है कि अगर ताइवान ऐसा करता है तो उसके बाद तो ये जो दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, वो एक एक करके इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ताइवान को चाइना ने थ्रेटन किया वॉर के लिए कि अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा कोई भी बिल पास किया अपने पार्लियामेंट में, तो हम आपके ऊपर वॉर इनिशिएट कर देंगे। और यही जो दूसरी तरफ कोमिंतांग पार्टी है उसका उसका और उसका ये मानना है कि नहीं, हमें अपने क्लेम्स को बनाए रखना चाहिए। लेकिन आज के समय समझदारी इसी बात में है कि ताइवान अपने क्लेम को, जो वन चाइना के क्लेम को, वो छोड़ दे और वो खुद अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह पूरी दुनिया में प्रदर्शित करे, दिखाए, और जिसके बाद जो उनके लिए जो सपोर्ट होगा दुनिया भर के देशों का वो काफी बढ़ जाएगा। और इसी बात का चाइना को डर है। तो अगर दुनिया भर के सारे देश इसको रिकॉग्नाइज करेंगे तो ये चाइना के लिए काफी हद तक एक वो क्या कहते हैं, मतलब एक उनके हद उनके उनकी जो डोमिनेंस है उसको जाता हुआ चाइना देख रहा है। और यहाँ पे इंडिया इंडिया और जो इंडिया यहाँ पे सिर्फ एक जो एशिया में एक मेजर पावर है इंडिया, जो चाइना को ऐसा करने से रोक सकती है। क्योंकि देखिए, अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ताइवान भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया का ये बुरा बनता है कि हम ताइवान की डेमोक्रेसी को किसी भी तरीके से बचाएं, हम चाइना को कभी भी इस रीजन पे कब्जा ना कर ताइवान पे कभी भी कब्जा ना करने दें। क्योंकि अगर ताइवान पे चाइना अपना कब्जा करता है तो उसके बाद ये दुनिया उसका एक जो एशिया में जो उनकी जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इंडिया जैसी कंट्रीज जहाँ पे जहाँ जिसको चाइना की तरह से मतलब काफी हद तक जो इन्फिल्ट्रेशन होती हैं, जो हमारे डिस्प्यूट हैं, जैसे ये पूरा रीजन है यहाँ पे अक्साई चिन का, ये चाइना ने हमसे 1962 में कब्जा कर लिया। उसके बाद ये वाला जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है वो उसको क्लेम करते हैं। तो इन सारी उन्होंने हमको उलझा के रखा है कि भैया हम अपने मसलों को देखते रहें और हम यहाँ पर ध्यान ना दें। लेकिन इंडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ताइवान पे किसी भी तरीके से चाइना का कब्जा ना होने दे। और लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन ऑफिशियल्स ने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ताइवान के सपोर्ट में नहीं रिलीज किया है। तो यहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनका रोल काफी बढ़ जाता है, उनको इस इशू को भी बहुत ही जोर शोर से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर इसको उठाना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि हम ताइवान के सपोर्ट में खड़े हों। हम इंडिया चाइना की
इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन लेकिन क्या चाइना इंडिया एक एक इंडिया को मानता है क्या? वो मान कि क्या क्या हमने ऐसा कोई समझौता किया उनके साथ? देखिए इंडिया ने जो समझौते किए हैं बीजिंग के साथ, वो काफी हद तक वो बीजिंग रिकॉग्नाइज करता है कि जो सिक्किम का रीजन है वो इंडिया के कंट्रोल में है, और उसको हम इंडिया के अंदर हम मान्यता देते हैं एक हिंदुस्तान के एक राज्य की तरह। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, उसको क्या वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है? वो तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को फाइव फिंगर्स कहता है कि ये तो चाइना की फाइव फिंगर्स में से एक है, जैसे अक्साई चिन, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो वो इन पूरे रीजन्स पे क्लेम करता है, और वो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो अपनी इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे बढ़ाए। तो इस समय भारत की जो डिफेंसिव पॉलिसीज है वो उससे भारत को पीछे हटना, मतलब भारत को अपनी डिफेंसिव पॉलिसीज में चेंज करना होगा, और उनको काफी थोड़ा अग्रेसिव एक्ट करना होगा इंडिया बीजिंग की तरफ, चाइना की तरफ, और अपनी जो डोमिनेंस हमको प्रूव करना होगा। तो ये चाइना की जो कमजोर पॉइंट्स हैं हमको उनको टैकल करना होगा, क्योंकि अगर अगर हमारे पास जो सब्सिट्यूट्स हैं, अगर ताइवान आप अगर देखिए तो वो ताइवान ही काफी अच्छा सब्सिट्यूट हो सकता है चाइना का, और हमें ताइवान को बहुत ही जोर शोर से सपोर्ट करना चाहिए, और इसमें इंडिया का कोई बहुत मेजर लॉसेज नहीं होंगे, क्योंकि चाइना आज के समय में जिस तरीके से इंडिया के ऊपर अग्रेसिव हो रहा है, तो चाइना को यहाँ पे अगर ईस्ट में आप देखें तो कोई एक ही कंट्री है जो चाइना के इस अग्रेशन को रोक सकती है। इंडिया जो न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, जो काफी जिसकी एक बड़ी पॉपुलेशन है, एक बड़ी इकोनॉमी है, तो अगर एशिया में इंडिया को डोमिनेंस बनाए रखना है, और एशिया अगर इंडिया को सच में चाइना का कॉम्पिटिटर बनना है, तो उसको इन सारे मसलों में पार्टिसिपेट करना, इन मसलों में एक हिस्सेदार बनना पड़ेगा, और उनको इस तरह अपनी जो मुद्दे हैं उनको जोर शोर से जो इंटरनेशनल स्टेज पर उठाना होगा, नहीं तो एशिया में चाइना का जो डोमिनेंस है वो बढ़ता ही जाएगा, और वो इस तरीके से जो अपना बाकी क्लेम है, जो पार्शियल आइलैंड्स हैं और जो बाकी साउथ चाइना सी है उनका, उस पर वो और क्लेम करता जाएगा, और एक तरह से वो उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं वो उसको और ज्यादा बढ़ाता जाएगा। तो हमें इन सारी चीजों से होने को रोकना है, सरकार को चाइना के खिलाफ कोई कड़ा स्टेटमेंट देना चाहिए, कम से कम स्टेटमेंट देना चाहिए। हम चाइना के इंटरनल इश्यूज में आना नहीं चाहते, लेकिन अगर चाइना एक दूसरी कंट्री को, जो काफी हद तक चाइना से बहुत ही अलग है, चाइना एक कम्युनिस्ट रेजिम है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वो उस पर एक तरह से वॉर इनिशिएट करने की बात करता है, फिर कब्जे की बात करता है, तो इंडिया को भी चाइना के खिलाफ खड़ा होना होगा, और ताइवान की तरफ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना होगा, और गवर्नमेंट को भी एक कड़े रुख लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग अस।